हलो स्टूडेंट्स विनोद कुमार फ्रॉम वीसीएस मैथ्स अकेडमी नम्बर इनकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड बिजनेस मैथ्स चैप्टर टू इंटीग्रल कैलकुलस एक्सिस 2.4 उड़े थर्ड सेम वीडियो पाक इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स नाम पड़पर सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट एलिक इंटीग्रल कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx ओके इना पड़ा कॉस 2x के सैन स्क्वयर वह मारे और फार्मूला कॉस 2x इज ईक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सैन स्क्वायर एक्स ओकेवा फार्मूला ना इंगे यूस पड़ पोरें यूस पड़ी सिंप्लीफाई पड़ला इंटीग्रल पड़े कॉस 2x बदला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस सैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सैन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय इंना कॉस स्क्वायर एक्स सो पड़ा कड़ स्टेप इंटीग्रल डीएक्स वह सैन स्क्वायर और सैन स्क्वायर टू सैन स्क्वायर और सैन स्क्वायर पेना वह सैन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सैन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स ओके पड़ा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सैन स्क्वायर एक्स पड़ान कटी नमुक वैल्यू तरी वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx 1 by cos square x dx என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கனா 1 by cos square theta is equal to tan square theta அப்ப 1 by cos square x வந்து என்ன எழுதுறோம் சாரி 1 by cos square theta is equal to secant square x அப்பனா வரும் secant square x dx secant square x நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா tan x கிடைக்கும் அப்ப tan x plus c அப்படிங்கற மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே சோ இதுதான் இந்த சம் உடைய ஆன்சரா இருக்கும் ஓகேவா ஓகே थैंक यू